फिरोजाबाद के पालीवाल हॉल में एक पीस कमेटी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें फिरोजाबाद के जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह और एसएसपी सचिंद्र पटेल अपने सभी अधिकारियों के साथ मौजूद रहे व आम जनमानस से बात कर जनता में जगाया सुरक्षा का विश्वास व शहर में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए अपील भी की। व साथ ही जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि कोई भी किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दे और न ही किसी तरह की अफवाहों में संलिप्त हो व सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर किसी भी तरह की गलत अफवाह न फैलाए जिससे शहर की फिजा खराब हो। अगर किसी के द्वारा किसी भी गलत तरह से अफवाह फैलाई गई तो प्रशासन द्वारा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी, जिसमें सभी समाज के लोग, पीस कमेटी सदस्य और सभी वार्ड के पार्षदगण भी मौजूद रहे। देखिए फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता करण कुमार की रिपोर्ट। देखिए आज जो पीस कमेटी की मीटिंग हमने रखी थी उसमें फिरोजाबाद के समाज के प्रबुद्धजन और सभी जिम्मेदारगण और सभी हम लोगों को पीस कमेटी मेंबर्स को साथ में बुला के हम लोगों ने वार्ता की है कि समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखें और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। अपने घर के बच्चों को भी समझाएं कि किसी भी तरह का व्हाट्सएप मैसेज या कोई भी तरह का मैसेज फॉरवर्ड करने से पहले या किसी भी इस तरह की बातों पर ध्यान न दें, उनकी ऑथेंटिसिटी जरूर चेक कर लें और अपने घर में अपने कारोबार में व्यस्त रह के अपना पूरा फिरोजाबाद में एक शांति का संदेश दें। अपने क्षेत्र के साथ साथ पूरे फिरोजाबाद में बाकी जनता को भी प्रयास करें कि सब लोग शांति बनाए। देखिए आज ये जनपद फिरोजाबाद में सेंट्रल पीस कमेटी की मीटिंग थी, जिसमें मैं जिलाधिकारी महोदय और जनपद के सभी वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल हुए। सभी थानों से हम लोगों ने इसमें पर्याप्त संख्या में लोगों को इनवाइट किया था कि लोग आकर के हम लोग के साथ इस मीटिंग में बैठें और लोगों के अंदर जो भ्रांतियाँ हैं, जो लोगों के अंदर कन्फ्यूजन है CAB को लेकर के या इसके बारे में जो अफवाह उड़ रही है उसके बारे में लोगों से विस्तृत चर्चा की गई। लोगों ने काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक दिया है और जैसा आपने देखा लास्ट में सभी लोगों ने एक शपथ भी ली है कि जनपद फिरोजाबाद की शांति व्यवस्था को हम बनाए रखेंगे और कहीं पर भी किसी प्रकार से किसी को भी इसमें हस्तक्षेप करने के लिए नहीं देंगे। दूसरा, लोगों को बताया गया कि हम लोग सोशल मीडिया का किस तरीके से जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग करें उसके बारे में भी लोगों को तरीके बताए गए। कहीं पर भी अनवेरीफाइड फ़ोटो वीडियो मैसेज ना शेयर करें जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो सके। जनपद में क्या क्या अरेंजमेंट्स हम लोगों ने सुरक्षा के लिए किए हैं, 112 नंबर पर किस प्रकार सूचना देना है उनको, कहीं पर भी कोई एंटी सोशल एलिमेंट अगर दिखे तत्काल हमारे संज्ञान में ले आएँ, सभी चीज़ों के बारे में जोन और सेक्टर स्कीम के बारे में लोगों को बताया गया है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से लोगों का यहाँ पे एक रिस्पॉन्स हम लोगों को मिला है, अलग अलग धर्मों के संप्रदाय के लोगों के सम्मुख से बात चल रही है और सभी लोगों ने आश्वस्त किया है कि हम लोग शांति व्यवस्था बनाए रखने में पूरा सहयोग करेंगे। थैंक यू दोस्तों। क्या कर रही हो अंजलि, इतने में थैंक यू बोल रही हो? अभी तो इनको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, तब जाकर हम बोलेंगे इनको थैंक यू।